गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्यूबिक के रूट्स निकालना, क्यूबिक और हायर डिग्री पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 19x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। देखो याद क्या रखना है कि देखो जैसे क्वाड्रेटिक के रूट निकालने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट क्यूबिक और हायर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन एंड हायर डिग्री पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे हम, जो अगर मान लो क्यूबिक है तो हमें एक रूट, कम से कम एक रूट ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा। दोबारा क्या बोला मैं कि अगर क्यूबिक इक्वेशन दिया है तो एक रूट कम से कम हमें ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा। एक रूट आ जाएगा तो फिर हम उसको लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक की टर्म्स में लिख लेंगे। लीनियर का रूट तो ऑब्जर्वेशन से आ गया, क्वाड्रेटिक का हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्या बोला मैं कि इसका एक रूट हमें ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा, ये तो पहली बात। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% टाइम्स क्या होगा, द रूट बाय ऑब्जर्वेशन मस्ट बी या तो माइनस टू होगा, माइनस वन, जीरो, वन, टू, इन्हीं जो जीरो के आसपास जो इंटीजर्स है ना, इन्हीं में से एक रूट ज्यादातर होगा। अगर वो सॉल्वेबल दिया होगा एग्जामिनर ने क्वेश्चन, तो पक्का इनमें से कोई रूट होगा। मैक्सिमम अगर जाना है तो मैं तो हाफ और माइनस हाफ और इंक्लूड कर लो। समझ में आया क्या बोला मैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन से रूट होगा वो जीरो के आसपास होगा और इंटीजर होगा ज्यादातर। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, हम रख के देखते हैं। तो एक रूट मुझे ऑब्जर्वेशन से निकालना है, फिर उसके बाद एक प्रोसीजर है वो और मैं बताऊंगा। तो इधर देखते हैं, पहले हमने लेट से जीरो रखा, तो जीरो रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो जीरो तो नहीं होगा इसका रूट। फिर लेट से मैंने वन रखा, तो वन माइनस 8 माइनस 11 प्लस सॉरी माइनस 12 माइनस 19 प्लस 19, तो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करना है। एक्स इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज इट, सेटिस्फाइज इट। इसका मतलब क्या है कि इसका एक रूट वन होगा। ठीक है, इसका एक रूट वन होगा, इतना डिसाइड हो गया है। तो अब क्या करेंगे, जैसे क्यूबिक है तो जो रूट आया ना, तो मैंने ऐसे लिखा, देखो ध्यान से ऐसे लिखना है तीन बार, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। ध्यान से सुनना बच्चों, एक्स इज इक्वल टू वन रूट आया था तो मैंने एक्स माइनस वन जो फैक्टर है वो तीन बार लिखा। अब क्या करें, अब मुझे देखो इधर मुझे क्यूबिक चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या गया, एक्स क्यूब आ गया। बट इससे एक और एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर। बट मुझे तो कितना चाहिए था, माइनस 8x² चाहिए था, मतलब माइनस 7x² की कमी है, उसको मैं दूसरे फैक्टर की हेल्प से एडजस्ट करूंगा। मैंने बोला इधर से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, मुझे एक्स क्यूब माइनस 8x² चाहिए, तो माइनस 7x² और चाहिए, तो इसको मैंने माइनस 7x से मल्टीप्लाई किया। तो देखो इससे क्या जनरेट हो जाएगा, माइनस 7x² हो जाएगा, इधर से माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस 8x² हो गया। अब लेकिन इधर से क्या हो गया, मेरा प्लस 7x आ गया, बट मुझे 19x चाहिए, तो 7x आ गया, मुझे 19 चाहिए, तो मतलब 12x की कमी है, तो मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए इधर प्लस 12 लिखा, तो इधर 12x आ गया। अब देखो कि अगर तुमने करेक्ट लिखा है ना, तो जो कांस्टेंट पार्ट है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। देखो 12 इंटू माइनस 1 इज माइनस 12। क्लियर हुआ? एक बार और करते हैं। मैंने बोला पहले मैंने क्या लिखा, तीन बार लिखा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। क्यों लिखा, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ दिस, दैट इज बाय ऑब्जर्वेशन। फिर मैंने बोला सबसे पहले क्यूबिक से स्टार्ट किया, तो इधर एक्स क्यूब चाहिए तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर इधर से माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, मुझे चाहिए माइनस 8x², तो माइनस 7x² की कमी है, उसको इस टर्म से एडजस्ट करेंगे, तो माइनस 7x, तो माइनस 7x² आ गया। बट इससे अब मेरा क्या आ गया, प्लस 7x आ गया, और मुझे 19x चाहिए, तो मुझे क्या 12x की कमी है, तो इसके हेल्प से आई विल राइट 12। तो अब देखो ऐसा करने पे क्या होगा, जो कांस्टेंट पार्ट है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा अगर करेक्ट लिखा है तो। समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इस पॉइंट देखना। अब क्या किया, इन तीनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिखा है मेरा इधर, इज इक्वल टू 0। तो यू कैन सी ये रूट लीनियर वाला है जो हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसके इसका रूट्स के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। और वैसे तो इधर क्या है कि डायरेक्टली क्लिक कर जाना चाहिए यूजिंग सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम इज 7, प्रोडक्ट इज 12, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 3 एंड 4। तो फाइनली इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 3 इंटू
एक्स माइनस फोर। अगर नहीं ऐसे लिखना है तो यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग फॉर्मूला, बट ये हो गया हमारा एक्स माइनस वन। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या पॉसिबिलिटी, या तो ये जीरो तो उससे मेरा आएगा एक्स इज इक्वल टू वन, या ये जीरो एक्स इज इक्वल टू थ्री, और ये जीरो एक्स इज इक्वल टू फोर, हैंस तीनों रूट आ गए हमारे। तो कंक्लूजन पता चला क्या हुआ, हमने क्या किया एक रूट ऑब्जर्वेशन से निकाला, ठीक है समझ में आया। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, हमें और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो आई एम रबिंग इट, तो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल टू देखना, मैं एग्जांपल टू लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करो, पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सीखोगे, ठीक है। मेरा मानना यह है कि पहले खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे कि मैंने बोला, पहला रूट हम क्यूबिक है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो एक रूट तो मैं ऑब्जर्वेशन से निकालूंगा, और वो भी मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन में जो रूट आएगा दैट मस्ट बी अ इंटीजर नियर टू ओरिजिन, नियर टू जीरो। तो देखते हैं इसको, पहले मैंने जीरो रखा तो सेटिस्फाई नहीं किया, फिर मैंने वन रखा, वन रखेगा तो जाएगा वन प्लस सेवन प्लस फिफ्टीन प्लस नाइन विच इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वन भी रूट नहीं है, जीरो भी रूट नहीं है, वन भी रूट नहीं है। फिर नेक्स्ट इंटीजर लेट्स से मैं माइनस वन रखता हूँ, तो मैंने माइनस वन रखा इधर, तो क्या आएगा, ये माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन, सेवन इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस सेवन, माइनस वन इंटू फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन प्लस नाइन, तो ये हो गया माइनस सिक्सटीन और प्लस सिक्सटीन, तो ये जीरो आ गया हमारा। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज वन ऑफ द रूट, इज वन ऑफ द रूट। समझ में आया बच्चों कैसे किया मैंने, इंटीजर्स रखना है मैं नियर टू जीरो, और अगर अगर मान लो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ये चार पांच इंटीजर्स तो हमने रखे और कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर हम छोड़ सकते हैं इसको, मतलब वो किसी और मेथड से होगा, मतलब उसमें रूट निकाल, उसमें एग्जैक्ट रूट निकालने को नहीं बोला होगा एग्जामिनर ने, ठीक है समझ में आया। और मैंने बोला ठीक है, अगर एक परसेंट के लिए वो पांच रख भी लिए तो एक बार हाफ और माइनस हाफ और रख लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें माइनस हाफ और प्लस हाफ भी आ जाता है कभी कभी, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मोस्टली माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू, इन्हीं पांच इंटीजर्स में कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन से रूट इसमें आएगा, क्लियर है। तो मेरा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, तो मैं क्या लिखूं, एक्स प्लस वन लिखूंगा तीन बार, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मैं टर्म्स एडजस्ट करता हूं, तो मुझे एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स एक्स है तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर इधर से एक्स क्यूब तो आ गया, लेकिन इधर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, मुझे सेवन एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब सिक्स एक्स स्क्वायर की कमी है, तो मैं इधर क्या मल्टीप्लाई करूं, प्लस सिक्स एक्स, तो ये मेरा आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर। अब इधर मेरा सिक्स एक्स आ गया, बट इधर मुझे फिफ्टीन एक्स चाहिए, तो सिक्स एक्स से फिफ्टीन एक्स चाहिए, तो नाइन एक्स चाहिए, नाइन एक्स की कमी है, तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, प्लस नाइन टाइम्स, तो 9x आ गया। आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट हो जाएगा, अगर तुमने सब कुछ करेक्ट लिखा है, तो कोई अगर मिस्टेक नहीं है, सिली मिस्टेक्स नहीं है, तो कांस्टेंट पार्ट हमें अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं अब x प्लस वन, तो इफ आई टेक x प्लस वन कॉमन, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है बच्चों। अच्छा तो अब ये मेरा एक लीनियर आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया, अब ये क्वाड्रेटिक के तो रूट मैं फॉर्मूले से निकाल लूंगा, या तो ऑब्जर्वेशन से अगर क्लिक कर रहा होगा तो ऑब्जर्वेशन से, बट हाँ वैसे इधर तो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखो ध्यान से एक्स प्लस थ्री का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, इवन समझ में आया। तो मैं इसको रब करके इधर लिख रहा हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो एग्जाम्पल को, मैंने बोला अब मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्यूबिक है तो इसके रूट क्या क्या आएंगे, एक तो माइनस वन और एक माइनस थ्री, और इसके कारण रिपीटेड रूट्स होंगे एंड माइनस थ्री, तो तीन रूट्स होंगे जिसमें दो की वैल्यू माइनस थ्री है और एक है हमारा माइनस वन, क्लियर हुआ बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर। एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री देखना, मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या करो, वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो,
ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं, जनरली सबसे स्टार्ट कैसे करते हैं, जीरो रख के देखते हैं। तो जीरो रखेंगे तो जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट रूट ऑफ दिस। फिर मैंने रखा, फिर मैंने वन रखा, तो वन रखूंगा तो वन वन रखा, x इज इक्वल टू वन रखा तो क्या आया, वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन भी मेरा रूट नहीं है। फिर मैंने x इज इक्वल टू माइनस वन रखा, तो माइनस वन रखूंगा तो ये होगा माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन, बट आगे माइनस वन लिखा है तो माइनस वन। फिर माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन और प्लस और ये माइनस टू, तो क्या ये जीरो है, नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। तो x इज इक्वल टू माइनस वन भी हमारा रूट नहीं है। अब किसकी तरफ मूव करें, लेट्स से टू की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने टू रखा इसमें, इसमें x इज इक्वल टू टू रखा तो क्या आएगा, टू क्यूब इज एट माइनस टू स्क्वायर इज फोर माइनस टू माइनस टू। अब देखो ये चीज जीरो आ गई, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू टू हमारा इसका एक रूट होगा। अगर रूट होगा तो क्या करूं, वो तीन बार लिख देता हूं वाला फैक्टर, तो ये आएगा मेरा x माइनस टू, इधर मेरा x माइनस टू और ये मेरा x माइनस टू। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट, x क्यूब चाहिए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर से, तो इधर आ गया x क्यूब, फिर इधर मेरा क्या आ गया एक और माइनस टू एक्स स्क्वायर, बट मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। अब माइनस टू एक्स स्क्वायर आ चुका है, मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मतलब इसमें मैं प्लस एक्स स्क्वायर और ऐड कर दूं, तो प्लस एक्स स्क्वायर कैसे एडजस्ट करूंगा, इधर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर से प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इधर से माइनस टू एक्स स्क्वायर था, तो दोनों का एडिशन क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्स लीनियर टर्म पे, तो इधर से माइनस टू एक्स आ गया, इधर मुझे माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस टू एक्स से माइनस एक्स चाहिए, तो प्लस एक्स और ऐड कर दूं, तो प्लस एक्स कैसे ऐड करूंगा, इसको प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एक्स आ जाएगा। अब ऑटोमेटिकली यू विल सी कि कांस्टेंट टर्म अपने आप एडजस्ट हो गया, माइनस टू इधर है माइनस टू इधर है, दिस इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करें, एक्स माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस टू कॉमन ले लिया तो हमारा इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो मेरा लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक का रूट हम निकाल लेंगे। तो अगेन दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, ठीक है ना। इसके रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वैसे अभी तो हम इसके टर्म्स में लिखते हैं, नंबर्स ही लिखेंगे अभी, अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। वैसे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक, ये स्पेशल क्वाड्रेटिक है, कुछ इमेजिनरी रूट्स है इसका, डी नेगेटिव है, व्हेन यू विल सी डी, डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वन माइनस फोर माइनस थ्री आएगा, डी नेगेटिव है, तो इसके रूट इमेजिनरी आने वाले हैं, क्या आएंगे वो लिख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर वन माइनस फोर डिवाइड बाई टू, तो ये आया मेरा माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री बाय टू। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री को क्या लिखूंगा, रूट ऑफ माइनस वन इंटू रूट ऑफ थ्री, और रूट ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा आई, तो ये दिस इज आई रूट थ्री बाय टू। तो मेरे तीन रूट क्या क्या आ गए, एक्स इज इक्वल टू टू एक तो ये वाला, कॉमा माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाय टू एक प्लस लेने पे, और एक इधर माइनस लेने पे, माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाय टू। सो दीज आर माई थ्री रूट्स ऑफ दिस, जो इससे पहले जो हमारा क्यूबिक लिखा था, क्लियर हुआ बच्चों। तो बहुत आसान है, बस पहले पार्ट में थोड़ा दिमाग लगेगा, मतलब जब ऑब्जर्वेशन से तुम रूट निकालोगे ना, उस दैट इज ओनली टाइम कंज्यूमिंग, उसके बाद तो बहुत प्रोसीजर है, समझ में आया बच्चों। चलो और प्रैक्टिस करते हैं हम इसके ऊपर। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फोर, लिखा एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। तो करो पॉज करके एक बार निकालो इससे, ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जीरो रखा, जीरो तो क्लियरली दिख रहा है इसका रूट नहीं है। फिर वन रखा, वन भी नहीं होगा क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर माइनस वन रख के देखते हैं, लेट से मैंने एक्स इक्वल टू माइनस वन रखा, तो ये माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर इज वन, वन इंटू फोर इज फोर, फिर माइनस वन इंटू ट्वेल्व इज माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन, तो ये भी जीरो नहीं आया, ये भी जीरो नहीं आया, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन भी इसका रूट नहीं होगा। अब मैं एक्स इज इक्वल टू वन रख लिया, जीरो रख लिया, माइनस वन रख लिया, अब लेट से एक्स इज इक्वल टू टू रखा, तो टू पे देखते हैं, तो ऑफकोर्स टू पे भी नहीं होगा, क्यों, डायरेक्टली बता सकते हैं विदाउट राइटिंग, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन चार पॉजिटिव टर्म का सम जीरो तो नहीं आएगा, तो ये भी रूट नहीं होगा। फिर फाइनली हम क्या रखें, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रखते हैं, तो माइनस टू रखेंगे तो इधर कितना आया, माइनस एट प्लस
माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन, फिर ट्वेल्व इंटू माइनस टू इज माइनस ट्वेंटी फोर, और सिक्सटीन इधर लिखा है प्लस सिक्सटीन, तो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू, और माइनस एट प्लस ट्वेंटी फोर इज अगेन थर्टी टू, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू एक रूट होगा, x इज इक्वल टू माइनस टू रूट होगा, तो हम क्या लिखें तीन बार, कौन सा फैक्टर लिखें, x प्लस टू, x प्लस टू, x प्लस टू, तो लिखते हैं हम इसको, मैं रब कर देता हूं, x प्लस टू इंटू तीन बार x प्लस टू और x प्लस टू, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो इधर लिखा है। अब एडजस्ट करते हैं टर्म्स, x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एक्स क्यूब, इधर से टू एक्स स्क्वायर आ गया, बट मुझे फोर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मतलब माइनस टू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स स्क्वायर इधर से जनरेट हो जाएगा, फिर ये आ गया मेरा माइनस फोर एक्स, और मुझे ट्वेल्व एक्स चाहिए, तो माइनस फोर से ट्वेल्व कैसे करूं मैं, सिक्सटीन एक्स एड करना पड़ेगा, तो प्लस सिक्सटीन इंटू एक्स। अब देखो एक मिनट, वेट अ मिनट, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये गलत हो गया ना, देखो दोबारा एक बार देखो, इधर x क्यूब आ गया, अब ये इधर से 2x स्क्वायर आ गया, मुझे 4x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 2x करना पड़ेगा, मैंने माइनस लिखा था प्लस 2x, तो अब 2x स्क्वायर और इधर से 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर आ गया, अब इधर मेरा x का क्या आया, 2x into 2, 4x आया, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 12x, तो 4x से 12x चाहिए, तो मतलब 8x की कमी है, तो क्या किया मैंने, प्लस 8x आ गया। अब 8 into 2, 16, देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, तो मतलब लिखा है जो हमने वो करेक्ट है, क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा अब मैंने क्या किया, x प्लस टू कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो इसके कारण तो माइनस टू रूट आया, ये क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक का रूट तो हम क्या करें, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूले से मैं निकालूंगा तो देखना क्या आएगा, देखो इसको वैसे परफेक्ट स्क्वायर से निकालना ज्यादा बेटर है, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, जैसे मैंने एक तो फॉर्मूले से कहते निकालेंगे, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, फोर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू एट थर्टी टू बाय टू, तो ये आया माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी एट बाय टू, तो ये कितना आया, या माइनस ट्वेंटी एट आएगा ये, ठीक है ना, माइनस ट्वेंटी एट आएगा, फोर माइनस थर्टी टू इज माइनस ट्वेंटी एट, तो माइनस ट्वेंटी एट सेवन फोर था, तो देखना क्या लिख रहा हूं, माइनस टू प्लस माइनस फोर को बाहर ले लिया, फोर को बाहर आएगा रूट के तो टू बन के आएगा, और अंडर रूट ऑफ कितना बचा, माइनस सेवन अपॉन टू, तो ये हो गया मेरा माइनस टू प्लस माइनस टू आई टू रूट सेवन, आई टू रूट सेवन बाय टू, तो फाइनली टू कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस वन प्लस माइनस आई रूट सेवन, दिस इज माई, ये दो रूट आ गए, माइनस वन प्लस आई रूट सेवन एंड माइनस वन माइनस आई रूट सेवन, और एक रूट मेरा ये था माइनस टू, तो तीन रूट आ गए हमारे, क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने तीन क्यूबिक के ही एग्जाम्पल देखे, अब एक काम करते हैं हम और हायर डिग्री बढ़ते हैं, जैसे मान लो फोर डिग्री आता है तुम्हारा, तो उधर क्या होगा ना, तुम्हें ऑब्जर्वेशन से दो रूट निकालने पड़ेंगे, जैसे लगातार नहीं निकालने पड़ेंगे, पहले एक ऑब्जर्वेशन से एक रूट निकालो, फिर क्या होगा, जैसे इधर क्या बन रहा, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक बन रहा, अब जब मैं फोर डिग्री लूंगा ना, तो पहला रूट तो मैंने ऑब्जर्वेशन से निकाला, तो फिर क्या बनेगा, लीनियर इंटू क्यूबिक, ठीक है, अब अगेन जो क्यूबिक बना उसका रूट मैं ऑब्जर्वेशन से निकालूंगा, तो दैट इज माय सेकंड ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैंने बोला फोर डिग्री है तो ऑब्जर्वेशन से दो रूट आएंगे, पहले तो एक लीनियर टर्म इंटू क्यूबिक बनेगा, तब मेरा एक ऑब्जर्वेशन आया, फिर वो क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए फिर मुझे ऑब्जर्वेशन से एक रूट निकालना पड़ेगा, क्लियर हो बच्चों, तो उसको मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन को, तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस सॉल्यूशन, एक मैं फोर डिग्री का ले लेता हूं, तो और फिर हम इस टॉपिक को इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि इतना काफी है, आइडिया मिल जाएगा, मिल गया हमें। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं फोर डिग्री का, देखना, एक्स की पावर फोर, दिस इज माई फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जीरो तो नहीं दिख रहा, जीरो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या करें हम, वन रख के देखते हैं, तो व्हेन आई विल पुट x इज इक्वल टू वन, देखना क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू वन रखा, तो ये क्या आएगा, वन माइनस सिक्स प्लस थ्री प्लस 26 माइनस 24, तो 26 प्लस थ्री 29 प्लस वन 30, 30 माइनस 30 जीरो आ रहा है,
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वन इज वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट। तो अभी 4 डिग्री है, तो मतलब 3 रूट और बाकी है, अभी 3 रूट और बाकी है। तो पहले तो मैं इस फैक्ट का यूज कर लेता हूं कि x इज इक्वल टू वन एक रूट है इसका, तो क्या लिखूंगा मैं x माइनस वन लिखूंगा। अब x माइनस वन में चार बार लिखूंगा, ठीक है ना, 4 डिग्री पॉलीनोमियल, इसका मतलब मैं अब चार बार लिखने वाला हूं, x माइनस वन, x माइनस वन और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर अब टर्म्स एडजस्ट करते हैं, इधर x की पावर 4 चाहिए, इधर x है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, x क्यूब से। अच्छा x क्यूब से किया मैंने, इधर से मेरा क्या आया माइनस एक्स क्यूब, मुझे चाहिए माइनस सिक्स एक्स क्यूब, तो माइनस फाइव एक्स क्यूब की कमी है, तो माइनस फाइव, इधर x ऑलरेडी है, तो इधर क्या करूं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता, तो इधर से क्या आ गया माइनस फाइव एक्स क्यूब, और इधर से माइनस एक्स क्यूब आया था, तो माइनस सिक्स एक्स क्यूब आ गया। अब इधर से एक्स स्क्वायर कितना आया, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, बट मुझे क्या चाहिए थ्री एक्स स्क्वायर, तो ज्यादा आ गया, मतलब 5x स्क्वायर से अब 3x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 2x स्क्वायर करना पड़ेगा, तो माइनस 2x स्क्वायर करने के लिए इधर क्या लिखा माइनस 2x, तो इधर से माइनस 2x इनटू x कितना आ गया माइनस 2x स्क्वायर, तो ये टर्म भी एडजस्ट हो गया। फिर आते हैं x वाले पार्ट पे, तो इधर से कितना आया माइनस 2x इनटू माइनस 1 2x, बट मुझे 26x चाहिए, तो 24x की कमी है, तो 24x की कमी है, तो मैंने क्या किया प्लस 24 कर दिया। अगर करेक्ट लिखा होगा तो कांस्टेंट टर्म, जैसे कि मैं बता रहा था कांस्टेंट टर्म अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो देखो क्या हो रहा है 24 इंटू माइनस वन माइनस 24, तो मतलब जो लिखा है अभी तक दैट इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बच्चों। अब मैं क्या करूं x माइनस वन कॉमन ले लेता हूं, x माइनस वन कॉमन ले लिया, तो इधर आया एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया, एक रूट तो आ गया मेरा और ये क्यूबिक बन गया। अब अगेन मैं क्या करूंगा, इसको इसका एक रूट ऑब्जर्वेशन से फाइंड करूंगा, फिर उसको लिखूंगा, फिर लीनियर इनटू क्वाड, मतलब ये अब प्रीवियस तरीके से क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, जैसे हमने क्यूबिक के एग्जांपल लिए थे, तो अगेन इसको मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, देखना, तो एक काम करता हूं पहले मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, ठीक है ना, फिर बाद में उसको x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने लिखा x क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो, मैं इसको सेपरेटली फैक्टराइज कर रहा हूं। तो अगेन ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, जीरो तो नहीं है रूट, क्लियरली दिख रहा है, माइनस वन रख के देखते हैं, तो वन रखेंगे तो वन माइनस फाइव माइनस टू प्लस 24 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन रखा तब, तो मतलब वन भी इसका रूट नहीं है। फिर x इज इक्वल टू माइनस वन रखा, तो माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन माइनस फाइव प्लस टू प्लस 24 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन भी रूट नहीं है। फिर x इज इक्वल टू टू रखते हैं, तो टू रखेंगे तो दिस इज टू क्यूब एट माइनस टू टू जा फोर, फोर फाइव जा 20, तो माइनस 20, टू टू जा फोर माइनस फोर और प्लस 24। अब देखते हैं, तो 24 माइनस 4 20 माइनस 20 प्लस 8, तो नहीं है ये भी जीरो नहीं है, तो अभी हमारे तीनों फेल हो गए। अब क्या करें, माइनस 2 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 रखो, तो माइनस 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8, फिर माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 5 जा 20 तो माइनस 20, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4 प्लस 4 और 24 है ही हमारा प्लस 24, तो देखो 24 प्लस 4 28 माइनस 28 ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका एक रूट होगा। अगर माइनस 2 रूट होगा तो मैं क्या करूं, इसको मैं ऐसे तीन बार ऐसे लिखता हूं x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, ठीक है, और नहीं तो तुम इधर ही लिख लो, एक काम करो इधर ही लिख लो, अलग सेपरेटली लिखना है तो सेपरेटली लिखो। इधर कैसे लिखोगे, तो देखो पहले कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं, मैंने बोला इधर कैसे लिखोगे, देखो x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका रूट आ गया, तो देखो x माइनस 1 तो मेरा ये बाहर लिखा है, अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर वो क्यूबिक वाला पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने लिखा x प्लस 2 तीन बार लिखूंगा, x प्लस 2 x प्लस 2 और x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, और अब टर्म क्यूबिक के साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया दैट करस्पॉन्ड्स टू द क्यूबिक इक्वेशन, तो x प्लस 2 को अब मैं x क्यूब चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं उसको x स्क्वायर से, तो ये आ गया x क्यूब, फिर इधर से आ गया प्लस 2x स्क्वायर, बट मुझे माइनस 5 चाहिए, तो प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 5 स्क्वायर कैसे आएगा, माइनस 7x स्क्वायर, तो माइनस 7x स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, माइनस 7 इंटू x
क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करूं, x माइनस वन, अब x माइनस x प्लस टू, x प्लस टू, x प्लस टू कॉमन ले लेता हूं, तो बाहर आ जाएगा x प्लस टू कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया तो इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, और वैसे तो इधर फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन इधर भी रूट पता चल जाएगा, बिकॉज सम ऑफ रूट इज सेवन, प्रोडक्ट इज ट्वेल्व, तो थ्री एंड फोर आर द रूट्स ऑफ दिस, अगर थ्री और फोर रूट्स हैं इसके तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, ओपन करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, यही आएगा। तो फाइनली मेरा जो फोर डिग्री पॉलीनोमियल था वो कैसे फैक्टराइज हो गया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इसके चार रूट क्या क्या हो गए, वन माइनस टू थ्री एंड फोर, सो दीज आर द फोर रूट्स ऑफ दैट फोर डिग्री पॉलीनोमियल। आई होप क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक, ठीक है ना, जो मैंने लिया अभी, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अभी तुम जैसे क्यों, अभी तो मैं वैसे अभी एक और टॉपिक रह गया है, कौन सा, हायर डिग्री पॉलीनोमियल के ऊपर ही, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो मैं कल के लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं अभी मैक्सिमम मिनिमा और डिस्कस कर लूंगा क्वाड्रेटिक का, ठीक है। चलो, तो अब देखो क्या करो तुम, अगर मान लो तुम्हें अभी भी लग रहा है कि प्रैक्टिस कम हुई है, थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, तो खुद से क्वेश्चन जनरेट करो। खुद से कैसे जनरेट करोगे, जैसे मैंने बोला कि अब तुम्हें फाइव डिग्री का करना है, तो क्या करो, जैसे फाइव डिग्री का देखो क्वेश्चन जनरेट करना दिखा रहा हूं, क्वेश्चन जनरेट करना है, और फिर तुम्हें उससे वेरीफाई करना है जो तुमने क्वेश्चन बनाया वो, मतलब जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। कैसे, जैसे मान लो मुझे लेट्स से मुझे थ्री डी क्यूबिक बनाना है, मुझे क्वेश्चंस बनाना है इसके ऊपर, तो मैं कैसे बनाऊंगा, लेट्स से मैंने एक रूट ऑब्जर्वेशन से ले लिया x प्लस टू, और मैंने ये ले लिया x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस सेवन, मान लो। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करते करते क्यूबिक पॉलीनोमियल आ जाएगा, प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इधर समथिंग। अब ये मेरा क्वेश्चन होगा, और फिर मुझे, और आंसर क्या आना चाहिए, माइनस टू सिक्स एंड सेवन। तो क्या करो तुम, दो चार क्वेश्चन खुद से जनरेट करो, मतलब इस टाइप के। पहले क्वेश्चन कैसे जनरेट करोगे, डोंट राइट डायरेक्टली क्यूबिक, नहीं 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 नहीं, क्यूबिक डायरेक्टली लिखोगे तो हो सकता है वो उसका ऑब्जर्वेशन से एक रूट आए ना, हमें तो चाहिए कि एक फैक्टर कम से कम, इसमें एक फैक्टर जो है, इस जो क्यूबिक है उसमें जीरो माइनस वन वन टू एंड माइनस टू, इनमें से कोई होना चाहिए, फिर बचा हुआ हैंडल कर लेंगे हम, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो जैसे अब मुझे फाइव डिग्री बनाना है क्वेश्चन, फाइव डिग्री पॉलीनोमियल, तो मैं क्या करूं, एक फैक्टर मैंने इसी में बढ़ा देता हूं, लेट्स से मैंने लिखा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, चलो ऐसे लिखा। तो देखो अब जैसे मान लो, जैसे चले पहले फोर डिग्री का, मैंने मान लो फोर डिग्री का पॉलीनोमियल जनरेट करना है क्वेश्चन मुझे, तो मैं क्या करूंगा, दो फैक्टर ऐसे लूंगा, दो फैक्टर ऐसे लूंगा जिसमें जिसके रूट्स दैट करस्पॉन्ड्स टू द रूट्स जीरो वन माइनस वन माइनस टू इंटू, तो दिख रहा है एक रूट तो ये वाला और एक ये वाला फैक्टर, बाकी दो फैक्टर जो है वो मैं कैसे भी ले लूं, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर के करस्पॉन्डिंग तो क्वाड्रेटिक है। समझ में आया कैसे जनरेट करूंगा क्वेश्चन? जैसे मान लो, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक जनरेट करता हूं, मान लो मेरे को फाइव डिग्री पॉलीनोमियल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये चीज, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से निकालने वाले में थोड़ा सा क्या होता है, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तो वो कब आएगा, जब तू थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाना है, मान लो मुझे 5 डिग्री पॉलीनोमियल, 5 डिग्री, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने लिखा कम से कम तीन रूट इसके ऐसे लूंगा जो ऑब्जर्वेशन से आ जाए, तो मैंने लिखा एक x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और फिर बाकी दो फैक्टर कैसे भी लिख लो, कैसे भी से मेरा मतलब है, लेट से एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, ऐसे ले लिया, या फिर मान लो इसको तुम वैसे भी ना लो, कोई भी ऐसे ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस प्लस टू, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रूट कोई भी मुझसे कोई मैटर नहीं करता। आप क्या करो, इसको ओपन कर दो, तो ओपन करेंगे तो लेट से पहले मैंने इसको ओपन किया, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब इस दोनों को ओपन करा तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव सॉरी प्लस टू। अब इन दोनों को ओपन करो तो हमें फाइव डिग्री पॉलिनोमियल आ गया। अब क्या करो, उस फाइव डिग्री पॉलिनोमियल से स्टार्ट करो सॉल्विंग, तो तुम्हें ये मिलना चाहिए। समझ में आया कैसे क्वेश्चन जनरेट करना है? तो यू हैव टू जनरेट योर क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। समझ में आया बच्चों? ठीक है, हाँ। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा या फिर रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। इसमें हम दो तरीके के फंक्शंस पढ़ेंगे जिनका हम रेंज निकालेंगे या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। एक तो क्वाड्रेटिक और एक लूंगा मैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, जो कि तुम्हारे पास शीट में भी क्वेश्चंस हैं, डीपीपी 5 है आई थिंक, वो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है ना, उसके अंदर इसके क्वेश्चंस हैं मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड फॉर द फंक्शन ऑफ द टाइप क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो पहले मैं सिंपली क्वाड्रेटिक के लिए बता देता हूं, बहुत छोटा सा पार्ट है, उसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। तो देखो, पहले मैंने लिखा क्वाड्रेटिक के लिए, तो अब देखना, जैसे चलो हम पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। मैंने लिखा, पहले थ्योरी लिख लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कहा फॉर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, लेट्स से दिस इज माय एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये मेरा y है, इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं मैं। और अगेन a b c आर कॉन्स्टेंट है, a इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो वैलिड है कंडीशन। अब सुनना, अब मुझे पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ग्राफ हमने जैसे पढ़ा था, दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो मेरी ये, मतलब मैं अभी रियल रूट्स के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी आई एम डिस्क्राइबिंग इट विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब या तो अपवर्ड होगा पैराबोला या डाउनवर्ड होगा, तो या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा लेट्स से। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, जैसे मुझे पता है रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज मतलब होता है, मैंने बताया था एक्स, चलो डोमेन के ऊपर डिस्कशन हमने बेसिक मैथ में किया था। रेंज मतलब क्या होता है, चलो इसको भी समझ लो, रेंज मतलब वाई की वैल्यूज का कंप्लीट सेट। देखो एक्स की वैल्यूज का कंप्लीट सेट को तो हम क्या बोलते हैं, डोमेन, x की अलाउड वैल्यूज के कंप्लीट सेट को, और उन x को y में रखने पे जो y आता है ना उसका कंप्लीट सेट इज व्हाट रेंज। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो रेंज इज y की वैल्यू अभी के लिए, बाकी हम और क्लियर डेफिनेशन पढ़ेंगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, उसमें आता है ये रेंज एंड डोमेन। अभी के लिए रेंज मतलब y की वैल्यूज का कंप्लीट सेट। ठीक है, अब सुनना क्या किया इस क्वाड्रेटिक के लिए, मान लो ये मैं क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं, तो रेंज क्या होगा, जैसे ये मेरा वर्टेक्स है, ये हमने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पढ़े थे, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो। ठीक है, तो अब मैंने बोला इस डायग्राम के हिसाब से रेंज क्या हो जाएगा, रेंज विल बी जो y एक्सिस, जो ऐसा समझ लो रेंज को, ऐसे ग्राफिकल डेफिनेशन ऐसे बोलो कि जो ग्राफ है ना उसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। क्या लिखो इसको, चलो लिख लो, लिखना है तो प्रोजेक्शन ऑफ, बाकी इतना डिटेल में अभी जाना नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, तो व्हेन आई विल टेक प्रोजेक्शन ऑफ इट तो क्या आ जाएगा मेरा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो दिस इज रेंज, ये सारे y ऑब्टेनेबल हैं। जैसे कोई बोलेगा ये कैसे आया, ये वाला y कैसे मिलेगा, लेट्स से ये y इज इक्वल टू 5 है, तो 5 कैसे आएगा, किस x पे आएगा, तो मैं क्या करूं, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, इस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से ये 2 है, तो 2 रखने पे y की वैल्यू 5 आएगी। ऐसे रीड करते हैं ग्राफ, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से ये वाला ग्राफ है, लेट्स से मैंने ये लिखा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस लेट्स से 2, लेट्स से ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x प्लस 2 का, तो मैंने बोला ये वैल्यू, मान लो ये वाली वैल्यू मेरी 5 आ रही है, तो मैंने बोला 5 किस x पे आ रही है, तो क्या करें, पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये पॉइंट मिला ग्राफ पे इसका, फिर देखिए ये इसके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या है, तो y को 5 रखा इधर, तो x कितना आएगा, 3, तो देखो x की जगह 3 डालोगे तो y 5 आएगा। तो रीड ऐसे ही करते हैं ग्राफ को, जैसे मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर, ये वाला y जो है, ये वाला y किस x पे आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, दो जगह कट किया, एक जगह दो जगह, तो ये इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, लेट्स से ये 2 है ये 5 है, ये दो x की जगह मुझे ये y मिल रहा है, लेट्स से 6 है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब सुनना इसको, मैं थोड़ा सा, तुम वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लो, मैं इस ग्राफ को मिटा रहा हूं, दोबारा बना रहा हूं। तो देखना, मैंने लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, एक पैराबोला डाउनवर्ड। तो अपवर्ड के लिए मैंने बोला सिनेरियो इज दिस, द सिनेरियो इज दिस, ये इनफाइनिट तक जाता रहेगा, ठीक है ना, ऊपर जाता रहेगा,
तो मैंने बोला रेंज क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा ये पार्ट, और मुझे पता है ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। चलो एक मिनट कर, इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कल निकाले थे हमने, कल के लेक्चर में क्या आए थे, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस बी बाय फोर ए, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज इस कोऑर्डिनेट से इंफिनिटी तक, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, तो इस पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट ये है तो इस पॉइंट का भी वही होगा, तो एंस रेंज इज क्लोज ब्रैकेट माइनस डी बाय फोर ए से इन्फिनिटी, कब, फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब पैराबोल अपवर्ड वाला लिया मैंने। तो अब मैं इसकी मिनिमम, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है, ये बढ़ता जाएगा, बट मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इस रेंज का सबसे छोटा एलिमेंट होगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट वाई, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वाई, तो मिनिमम वाई मिनिमम लिख लो इधर, वाई मिनिमम इज इक्वल टू माइनस डी बाय फोर ए, क्लियर हुआ बच्चों, मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाय फोर है, रेंज इज दिस, दिस इज फॉर द पैराबोला अपवर्ड। अब डाउनवर्ड की बात कर लेते हैं, तो डाउनवर्ड के लिए क्या होगा मेरा, देखो मैंने बोला डाउनवर्ड के लिए लेट से ये मेरा ग्राफ हो गया, अब इसमें क्या होगा, इसमें अब मैं प्रोजेक्शन लूंगा, मान लो इसी का, मैंने इसी को ग्राफ कर लिया, तो ये सारा ये वाला वाई एक्सिस कवर होगा इतना पार्ट, एंड अगेन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, कोऑर्डिनेट तो यही रहते हैं ए और बी के टर्म्स में, तो अगेन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस डी बाय फोर ए, तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय फोर ए, क्या लिखा मैंने इस पर्टिकुलर के लिए, रेंज इज माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय फोर ए क्लोज। अब मैंने बोला तो मैं इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम तो क्या होगी, माइनस इंफिनिटी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, इधर भी लिख लो, इधर एक काम करो पहले लिख लो वाई मैक्स, इधर और लिख लो वाई मैक्स प्लस इंफिनिटी, मतलब इसको एक्चुअली इंफिनिटी टाइप का कोई चीज नहीं होता, तो क्या बोलेंगे हम इसको, डज नॉट एग्जिस्ट डी एन ई, और इधर उल्टा हो जाएगा, इधर क्या है मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, क्योंकि देख रहे हो वाई का सबसे बड़ा इस पर्टिकुलर सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट है इधर माइनस बी बाय फोर ए है, तो वाई मैक्सिमम इधर वाई मैक्सिमम कितना होगा माइनस डी बाय फोर ए, और मिनिमम कितना होगा वाई मिनिमम, दिस विल बी माइनस इंफिनिटी, दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर हो बच्चों, बहुत आसान चीज है, मतलब वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट याद रखना है हमें, अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाय फोर ए, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी बाय फोर ए, इतना याद रखो इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्स फंक्शन। अच्छा ठीक है, तो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं अलग, ठीक है, इसके ऊपर, उसके बाद हम फिर वो देखेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। देखो मैंने लिखा फाइंड, चलो मिनिमम मैक्सिमम या फिर मिनिमम, चलो पहले मिनिमम का ले लेते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा लिख नहीं रहा होगा ये, देखो इधर फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस लेट से थ्री, ठीक है, ये मैंने लिखा तुम्हें, तो इसको स्टार्ट करते हैं अब, तो अब दिख रहा है ये पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा, ए इज पॉजिटिव, तो ए इज पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ मुझे बनाना है, मान लो मैंने कहा इसका ग्राफ क्या होगा, पहले चलो ग्राफ का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो पहले इसका पूरा पूरा ग्राफ ही बना लेते हैं हम, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाय टू ए, तो माइनस ऑफ माइनस टू, तो टू अपॉन टू इज वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन आया। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या बोला था, कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब माइनस डी बाय फोर ए वाला फॉर्मूला इन जनरल नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन कब होगा, जब ये वन हम इसमें रख देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वाई आ जाएगा, तो वन इसमें रखा तो वन प्लस थ्री फोर, फोर माइनस टू इज टू, तो मेरा इधर आया टू, तो दिस इज माई वर्टेक्स वन कॉमा टू, तो पैराबोला क्या होगा, ऐसा होगा। तो अब डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, वर्टेक्स क्या होता है मिनिमम रेंज, पहले मैंने रेंज लिखा, चलो मैंने पहले लिखा रेंज, रेंज क्या हो जाएगा टू से इंफिनिटी, तो टू क्लोज से इंफिनिटी, तो अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है, इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, टू, तो वाई मिनिमम इज इक्वल टू टू,
समझ में आया? या फिर मैं इसको एक और ऑल्टरनेट वे से कैसे बोल सकता हूँ, देखो इसको भी लिख लेना, ठीक है, ऑल्टरनेट अप्रोच मेथड टू लिख लो। अब मैं क्या करूँ, परफेक्ट स्क्वायर से करता हूँ, वो ज्यादा आसान रहता है बेसिकली। मैंने लिखा इसको एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये टर्म एडजस्ट करने के लिए, फिर उससे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ जाएगा, बट उधर वन आया, मुझे इधर थ्री चाहिए था, तो क्या ऐड करूं बराबर करने के लिए, प्लस टू, तो प्लस टू, दिस इज माई वाई। अब देखो ये मेरा स्क्वायर ऑफ समथिंग लिखा है, ये प्लस टू लिखा है, तो ये टू तो कॉन्स्टेंट है, वेरी क्या करेगा ये, अब मुझे ओवरऑल मिनिमम चाहिए, तो ओवरऑल मिनिमम कब होगी, जब ये मिनिमम हो, और ये मुझे क्या पता है, दिस इज नॉन नेगेटिव, मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मिनिमम क्या होगा, जीरो होगा, तो जब ये जीरो होगा तब वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, टू, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, और वो मिल कब रही है, एक्स इज इक्वल टू वन पे। एक्चुअली डेरिवेशन जो था वो ऐसे ही तो किया था हमने, वर्टेक्स का मेथड, उसमें तीन मेथड बताए थे, उसमें एक वन ऑफ द मेथड वाज यूजिंग मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। अब एक मैक्सिमम का लिख लेते हैं, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला को, तो इसी में चेंज कर देता हूं मैं, इसमें कैसे चेंज करें हम, तो देखो मैंने लिखा इसको माइनस कर दिया, ठीक है, तुम लोग ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लिखो, इधर लिख लो मैक्सिमम, इधर लिख लो मैक्सिमम, और मैंने इधर लिखा माइनस लगा दिया बस, और बाकी क्वेश्चन सेम रखा। तो अब मैं दोबारा इसको इसका सॉल्व करते हैं, क्या करें हम, दिस इज डाउनवर्ड, ये थ्री है, ठीक है, दिस इज डाउनवर्ड, तो या तो डायरेक्टली वही डायरेक्टली, अब मैंने क्या बोला था, डाउनवर्ड के लिए पैराबोला इस टाइप का कुछ होता है, तो रेंज क्या हो जाती है, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय फोर है, तो इसका डायरेक्टली रेंज डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्या, अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो इट इज सिंपली माइनस डी बाय फोर है, या फिर तुम प्रॉपर ग्राफ पूरा बना लो, चलो हम ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो पूरा ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने लिखा इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस बी इज माइनस टू बाय टू ए, टू इंटू माइनस वन, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, ये बचा माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आया, तो दिस इज माइनस वन। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूंगा, या तो तुम माइनस बी बाय फोर ए यूज करो, या फिर माइनस वन इसमें रख दो, तो ऑफकोर्स माइनस वन इसमें रखना ज्यादा आसान है, तो माइनस वन इसमें रखोगे तो थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस वन फोर, तो मेरा आया फोर इधर, दिस इज फोर। अब डाउनवर्ड है तो देखो ऐसे बनेगा, ठीक है, तो अब क्या करें हम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी पहले रेंज लिख लेते हैं, चलो रेंज क्या होगी हमारी, रेंज हो जाएगी माइनस इनफिनिटी से फोर क्लोज, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सेट की, फोर, तो वाई मैक्स इज नथिंग बट फोर, तो समझ में आया क्या किया हमने, दिस इज द आंसर, ठीक है, बहुत आसान है। अब हम जो लेने वाले हैं वो थोड़ा क्रिटिकल है, उसके लिए प्रोसीजर लगता है, तो वो मैं प्रोसीजर डिस्कस करता हूं अभी। हम अब जो मैं लेने वाला हूं दैट इज फॉर द क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब चलो लिख लेते हैं उसको, तो अब सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, मैं पहले टाइप लिख लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसके रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक शीट है उसकी, मैं पूरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी के बेसिस पे दे रखे हैं उसमें, ठीक है, वो मैं आज इस ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुमको व्हाट्सएप कर देता हूँ, या फिर जस्ट मुझे रिमाइंड कर देना कि सर सेंड द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, चलो तो मैंने बोला निकालते हैं इसको, तो एग्जाम्पल नहीं लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू, और मैं एक काम करता हूँ, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ही जो शीट का ही क्वेश्चन है वही ले लेता हूँ, तो मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हो गया, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है, दोनों डिफरेंट क्वाड्रेटिक है, अब मुझे निकालना है इसका रेंज, रेंज निकाल लो, या फिर ऐसे बोल दो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जो रेंज आएगा उस वो जो सेट आएगा उसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो मेरा वाई मिनिमम हो जाएगा, और रेंज का सबसे बड़ा एलिमेंट इज वाई मैक्स, तो अल्टीमेट टास्क इज टू फाइंड रेंज, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टेप वन लिख लो, स्टेप वन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, अब स्टेप टू क्या होगा, जो जितने भी टर्म्स है ना सबको आरएचएस में लेके आओ एंड मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, स्टेप टू इज टेक ऑल द टर्म्स इन एलएचएस या आरएचएस कहीं भी एक जगह लेके जाओ, टेक ऑल द टर्म्स इन एलएचएस,
मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड मेक क्वाड्रेटिक एंड मेक क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल एक्स। ठीक है तो बनाते हैं हम। तो मैंने क्या किया, इसको सारे टर्म्स को इधर लेके आया, तो एक्स स्क्वायर इधर लेके आऊंगा, इधर एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आया मेरा वाई माइनस वन। फिर x का टर्म देखते हैं, प्लस x टाइम्स, क्योंकि मुझे x में क्वाड्रेटिक ट्रीट करना है, तो इधर x y लिखा है और ये माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस वन, प्लस ये y और ये माइनस वन, तो y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज व्हाट माय क्वाड्रेटिक इन x, वही ये बोल रहा था, टेक ऑल द टर्म्स इन LHS एंड मेक क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कोई दिमाग खर्च नहीं करना है हमें, ठीक है ना, बस एक बार मेथड याद रखना है हमें। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं, स्टेप थ्री। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना, जस्ट कॉपी दिस पार्ट, आई विल रब इट नाउ। हाँ, अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक आ गई, मैं जितना ये सब रब कर रहा हूं मैं यहां तक, ये मेरा स्टेप टू का आंसर है, कौन सा, ये वाला, दिस इज माय स्टेप टू आंसर। ठीक है चलो, अब मैंने लिखा अब स्टेप थ्री। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या होगा मेरा कि अब जो x है वो देखो, जब भी मैं रेंज निकालता हूं तो क्या करते हैं हम, रेंज मतलब क्या होता है, मैंने बोला y की जो वैल्यू आएगी, ऑब्टेनेबल वैल्यूज, जो ऑब्टेनेबल वैल्यूज ऑफ y का कंप्लीट सेट, तो जब हम y निकालते हैं तो क्या करते हैं, x को एक रियल वैल्यू रखते हैं, जो x जैसे x इज इक्वल टू टू रखने पे y कितना आया फाइव, तो डोमेन का पार्ट तो टू होगा, रेंज का पार्ट फाइव होगा, तो जब मैं रेंज निकाल रहा हूं फाइव, तब मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूं, रियल रख रहा हूं, ठीक है ना। तो अब लिखो इधर, सिंस x इज रियल, इसमें क्या है x रियल है, therefore d must be greater than equals to zero, सिंपल। अब क्या करो तुम, इसका d greater than equal to zero कर दो, उससे क्या होगा तुम्हें y में एक इनइक्वालिटी बनेगी, y में एक इनइक्वालिटी बनेगी, और फिर वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, उससे जो y की वैल्यूज आएंगी दैट इज नथिंग बट माई रेंज। तो लिख लेते हैं इसको, तो d करेंगे तो इसको क्या आएगा, y प्लस वन बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, तो y माइनस वन का देख लो एक बार, a इंटू सी, तो y माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है चलो इसको और प्रोसीड करते हैं, तो मैंने लिखा वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई माइनस, इधर से वाई स्क्वायर इंटू माइनस फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर, फिर माइनस टू वाई इंटू माइनस फोर प्लस एट वाई प्लस एट वाई, और इधर से वन इंटू माइनस फोर इज माइनस फोर greater than equals to zero, तो y square minus 4y square minus 3y square 2y plus 8y plus 10y, ठीक है, और 1 minus 4 is minus 3 greater than equal to zero। अब इस this is what inequality in variable by inequality in variable y, तो अब इनइक्वालिटी के अंदर सॉल्व करते हैं, तो अब ये क्वेश्चन किसमें हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो इसके लिए तो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, पहले तो मैंने x स्क्वायर का, जब अगर x वेरिएबल में होती थी तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते थे, इधर y में है तो y का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाएंगे, उसको बनाने के लिए क्या किया, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करा, और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो क्या किया हमने देखो, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं, तो इसके रूट्स निकालते हैं, तो देखो टेन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो टेन टेन सा हंड्रेड माइनस फोर ए सी, तो थ्री थ्री था नाइन, नाइन फोर था थर्टी सिक्स, चलो इरेशनल नहीं आए क्योंकि ये 64 बन गया, बहुत अच्छी बात है, डिवाइड बाई टू ए, टू इंटू थ्री सिक्स, तो ये हो गया टेन प्लस माइनस हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स इज 64, and root 64 is 8, तो 8 by 6, तो देखना plus लेने पे क्या आएगा, 10 plus 8, 18, 18 divide by 6 is 3, तो एक root तो मेरा 3 आया, दूसरा root, 10 minus 8, 2, 2 divide by 6, 1 by 3, तो ये आ गया 1 by 3, तो अब मैं कैसे करता था, कैसे करते थे हम, इन roots को, चलो एक बार ऐसे लिख लो, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 times, x minus 3, इंटू एक्स माइनस वन बाई थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, फिर क्या करें, जो 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 रूट्स आए उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो इधर स्पेस नहीं है, मैं एक काम करता हूँ इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को तुम लोग कॉपी कर लो, तो अब क्या करें हम प्लॉट करें रूट्स को, तो वन बाई थ्री क्या आएगा इधर,
और इसके आरएचएस में आएगा मेरा 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला, और इक्वालिटी भी है तो इधर आएगा फिल्ड सर्कल, तो यहां से यहां तक दिस इज माय वाई, तो वाई बिलोंग्स टू कितना आ गया, कितना सेट आ गया 1/3 से 3 क्लोज, बस ये मेरा हो गया रेंज, दिस इज व्हाट माय रेंज। आप कोई बोले इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है वाई की, तो इसमें इस सेट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1/3, हेंस वाई मिनिमम इज 1/3। कोई बोले y मैक्सिमम कितना होगा, तो इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट विच इज 3, तो y मैक्स इज 3, तो वो भी लिख लो इधर, y मिनिमम इज इक्वल टू 1/3 एंड y मैक्स इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं हम क्या क्या किया मैंने। देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया था, सबसे पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेट था उसको LHS में लेके गए, y से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया सारे टर्म्स को LHS में लेके आया, और फिर मैंने क्वाड्रेटिक इन x बनाई, फिर मैंने क्या स्टेटमेंट दिया स्टेप 3 में कि x अगर रियल है तो मेरा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फिर मैंने d वो जो क्वाड्रेटिक बना था x में x वेरिएबल में उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, उससे क्या हुआ मेरा y में एक इनइक्वालिटी बना, फिर वो मेरा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, फिर मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व किया और मेरा आंसर आया y बिलोंग्स टू दिस टू दिस, तो दिस इज व्हाट माय रेंज ऑफ दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जो y था ना उसका ये रेंज हो गया। और रेंज का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है f मिनिमम, रेंज का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है f मैक्स, तो मिनिमम वैल्यू इज 1/3, मैक्सिमम वैल्यू इज 3, वो लिख दिया हमने, आई होप समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और मैं लिख लेता हूँ होमवर्क के लिए तुम लोगों को, और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू वन होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इट बेस्ड ऑन दिस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज इन योर शीट, ठीक है ना, शीट का ही क्वेश्चन है, बट अभी मैंने शीट दी नहीं है तो मैं अभी लिख देता हूं, प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर, वैसे इसको हम दो मेथड से सॉल्व करूंगा मैं, आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, पहले इसी मेथड से और एक और थोड़ा ट्रिकी मेथड है उससे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करो, एक और क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लो, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज, ये तीनों का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूं, ठीक है ना, और बाकी अगर तुम लोग अगर अटेम्प्ट कर लो तो तुम लोग ये सॉल्यूशन भेज सकते हो, आई विल वेरीफाई इट, नो इशू। और लास्टली y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है, तुम इन तीनों फंक्शन का रेंज निकालना है, ठीक है ना। एक बार रेंज आ गई फिर तो y मिनिमम y मैक्सिमम उसी को देख के बोल सकते हैं, जो रेंज आएगा उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज y मिनिमम एंड उसका लार्जेस्ट एलिमेंट इज y मैक्स। और नहीं तो एक काम करो, तुम नोट्स में इसको लिख भी लो, क्या लिखो नोट करके, ऐसे लिख लो, चलो नोट करके कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज इज वाई मिनिमम, ऐसे लिख लो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज इज वाई मिनिमम, और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज इज वाई मैक्स, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सो आज के लिए काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।